मेरे मार्क्स भी मतलब सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नेगेटिव में सारे के सारे मार्क्स थे, और स्क्रीन पे कंप्यूटर पे बड़ा बड़ा लिख के आ रहा था यू हैव नॉट क्वालिफाइड JEE एडवांस। सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपनी खुद की JEE एडवांस की सुविधा डिस्कस करूंगा आप सभी लोगों से, जो कि मैंने 2020 ईयर में दिया था। एंड उसी ईयर में मैंने अपना मेंस भी मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा। फिर उसके बाद मतलब अराउंड मेरे 85% तो ऐसे मतलब बन रहे थे। फिर उसके बाद मैं JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई था, ओके, जो कि जून के मंथ में हेल्ड हुआ था। एंड यार मेरी कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी, मतलब जीरो प्रिपरेशन थी, मतलब एडवांस लेवल की यार मतलब उतनी ज्यादा नहीं थी। मतलब मैं खुद से सेल्फ स्टडी करके मतलब JEE एडवांस ऐसे ही मतलब हल्के में देने वाला था। अभी भी मुझे याद है कि पूरे मतलब एग्जाम में मेरा सिर्फ पूरे पेपर में मतलब एक ही क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, वो भी था मैथ्स का। उसमें मैंने बहुत लंबा सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, फिर उसका आंसर वन आया तो मैंने वन टिक कर दिया। वो मतलब पूरे पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मेरा एक ही क्वेश्चन सही हो पाया, और शायद एक दो केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलिसिस वाला मतलब और रैंडम क्वेश्चन से वो मतलब सही कर पाया था। मतलब दो या तीन मतलब ऐसे सवाल मेरे सही हो पाए थे। एंड जैसा कि मैंने बताया, मेरे मार्क्स मतलब नेगेटिव में आए थे जब मतलब रिजल्ट आया, मतलब नेगेटिव में मार्क्स थे, पॉजिटिव में नहीं थे। सारे के सारे मतलब ऐसे ही माइनस मार्किंग थी, मतलब जितने ही मतलब मैंने गलत किए थे माइनस मार्किंग थी, तो मार्क्स और ज़्यादा मतलब डिप्लीट हो गए, तो उसकी वजह से मार्क्स जो है माइनस में आ गए। एंड हाँ यार, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर कि JEE एडवांस हम लोग का पेपर है, ये मतलब बहुत ही टफ पेपर हम लोग का पूरे इंडिया लेवल में माना जाता है। हम लोग का मतलब नेशनल लेवल का सबसे टफ पेपर यही होता है। अगर UPSC का आप मतलब इंटरव्यू वगैरह आप इंक्लूड ना करो, तो फिर JEE एडवांस हम लोग का फर्स्ट टाइम पेपर मतलब जो हम लोग ऐसे देते हैं, तो ये एग्जाम यार सबसे टफ एग्जाम माना जाता है मेरे अकॉर्डिंग। तो मतलब यही पेपर रहेगा हम लोग का। एंड यार हर टाइम JEE एडवांस का पेपर जो है कोई ना कोई IIT सेट करता है। फॉर एग्जाम्पल इट मे भी IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, मतलब ऐसे ही सारे सारे जितने भी IIT हैं, IIT कानपुर, IIT BHU, मतलब ये सारे के सारे जितने भी इंडियन हैं, इस टाइम हर ईयर वाइज मतलब हर ईयर पेपर कोई ना कोई IIT ही बनाता है। अगर यार पेपर पैटर्न की बात करें तो यार मतलब यार पूरा डिफरेंट होता है यार। मतलब जैसे इसमें जैसे मतलब हम लोग का मेंस में क्या होता है, 4 में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसको टिक करना है, बस काम खत्म। लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहता है, इसमें क्या होता है कि यार मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं। मतलब 4 ऑप्शंस अगर मान लो आपको दिए हैं, तो उसमें से एक एक दो नहीं मतलब 3 भी सही हो सकते हैं, ओके। सो आपको तीनों को टिक करना पड़ेगा, मतलब आपको पूरे फुल मार्क्स चाहिए। तो मतलब अगर आप एक सेलेक्ट करो तो उसमें एक मार्क्स मिलेंगे, दो सेलेक्ट करोगे 2 मार्क्स, बाकी अगर तीनों से सही कर दोगे तो उसमें पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। सो एडवांस का कुछ इस लेवल का हम लोग को पेपर पैटर्न देखने को मिलता है, इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं। एंड फ्रेंड्स, IIT JEE एडवांस की यार पूरी वेबसाइट ही मतलब डिफरेंट होती है, जो जोजा वगैरह काउंसिलिंग नहीं होती है। मतलब JEE एडवांस की मतलब कुछ मतलब JEE एडवांस की खुद की मतलब लोग की अलग से वेबसाइट होती है IITs के लिए। एंड हम लोग को जैसे कि पता है अपने पूरे इंडिया में सिर्फ 23 IITs हैं, ओके, और NITs हम लोग के 31 हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी, जो मैंने एग्जाम दिया था, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें वगैरह कुछ आपको शेयर करनी थी। सो अगर चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज और कॉलेजेस में मैं ऊपर लाने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अमेजिंग वीडियो में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड योर ड्रीम कॉलेज। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।